नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों, जब कभी हम YouTube का चैनल बनाते हैं तो चैनल का नाम हम जल्दबाजी में रख देते हैं, लेकिन उसी चैनल के नाम को अगर हमें बाद में बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बदल सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर हम 3 बार चैनल के नाम को बदल सकते हैं, यानी कि लास्ट बार जब आपने 3री बार जब चैनल के नाम को बदला है तो उससे 90 दिन तक आप उसको नहीं बदल पाएंगे। 90 दिन का आपको इंतज़ार करना होगा। वैसे आप चाहे तो अनलिमिटेड बार जो है यूट्यूब के चैनल का नाम बदल सकते हैं। तो कैसे होता है ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मोबाइल के हेल्प से हम कैसे चैनल के नाम को बदल सकते हैं। देखिए, आप अपने यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और जिस भी चैनल के नाम को आप बदलना चाहते हैं उससे लॉगिन हो जाइए। ये देखिए, मैं एक चैनल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, चैनल लोगो पे जाइए। देखिए, चैनल लोगो पे जाइए और फिर यहाँ से योर चैनल पर जाइए। ये देखिए, चैनल सेटिंग में हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंसिल का एंकर बना हुआ है, यहाँ पर जाकर हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है कि 3 बार ही आप नाम को चेंज कर पाएंगे 90 दिन के अंदर अंदर। चलिए, मैं नाम अभी चेंज नहीं करता हूँ, मैं आपको यहाँ से लोगो चेंज करके दिखाता हूँ। नाम को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा डेस्कटॉप पर। ये देखिए, मैं इसके आइकन को बदल रहा हूँ। ये पहले टिकटॉक के नाम से ये चैनल था। ये देखिए, मैंने आइकन बदल दिया है। ये कैमरे के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको आइकन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से चैनल के नाम को भी बदल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से आप चाहें तो चैनल के नाम को चेंज कर सकते हैं। मुझे चैनल का नाम रखना है सरगम। ये देखिए, अब यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा तो ये चैनल का नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ से चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप पे जाके कैसे सेटिंग करते हैं, किस तरह से वहाँ पर जाके हम नाम चेंज करते हैं। देखिए, आइकन मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। ये देखिए, आइकन चेंज हो गया है सरगम। चाहे तो हम यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप है तो आप वहाँ पर भी जाकर के नाम को चेंज कर सकते हैं। चलिए, हम देख लेते हैं कि डेस्कटॉप में किस तरह से हम चैनल नेम को चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप अपने YouTube को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जिस चैनल के नाम को आप बदलना चाहते हैं उससे लॉगिन हो जाइए और योर चैनल पर आ जाइए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आइए, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आ जाइए। ये देखिए, पूरे चैनल की डिटेल आ गई है। यहाँ पर एडिट ऑन गूगल, इस पर आप जाएंगे। ये देखिए, तो चैनल का जो नाम है उसके आगे आप एरो का साइन देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे। देखिए, पेंसिल का आइकन आ गया है, यानी कि एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो इस पेंसिल के आइकन पर हम जाते हैं। देखिए, आप चाहे तो एक तरीका और है, आप चैनल आइकन पर जाइए और चैनल आइकन पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहां से आप डायरेक्ट भी सेटिंग पर जा सकते हैं, तो आपको वही पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप देखते हैं, तो यहां से आप एडिट ऑन गूगल पर जाइए। वहीं हमें चैनल का नाम जैसे चेंज करना है तो उसके आगे एरो का निशान है और यहाँ पर पेंसिल का आइकन आ गया है, यानी आप यहाँ से चैनल के जो नाम है उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर चैनल का नाम को चेंज कर देता हूँ। मुझे चैनल का जो नाम है वो करना है सरगम, क्योंकि म्यूज़िक से ही रिलेटेड ये चैनल था। पहले इस पर टिकटॉक्स की वीडियो डलती थी,
अब भी म्यूजिक से ही रिलेटेड इस पर वीडियो आएंगी। ये देखिए यहाँ से हम सेव कर देते हैं, चैनल का नाम सेव हो गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए एक बार बैक जाकर देख लेते हैं, हमारा चैनल का जो नाम है वो हमारे डैशबोर्ड में आ गया है या नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा लोगो हमने मोबाइल से चेंज किया था, चैनल का नाम हमने डेस्कटॉप से चेंज किया है, देखिए सरगम हो गया है। तो इस तरह से आप अपने चैनल के नाम को आप बदल सकते हैं। देखिए 90 दिन के अंदर आपको 3 ही चांस मिलेंगे चैनल के नाम बदलने के लिए, तो इसको आप देखकर ही सोच समझकर ही बदलिए। दोस्तों इस तरह से आप अपने चैनल के नाम को चेंज कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ऐसे ही कुछ काम की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निकल बोली। जय हिंद दोस्तों।